हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिया फैशन बुटीक में। एंड सॉरी मैं लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आज मैं आपको ब्लाउज का बैक डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। तो मैंने यहाँ पर ब्लाउज का बैक साइड का कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने पहले अस्तर वाले कपड़े में कटिंग की है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं नाप के बता देती हूँ आपको। तो मैंने इसकी लंबाई रखी है 15 इंच और इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 12 इंच और इसका आर्मोल हमारा 5.5 इंच पे है। ये देखिए यहाँ पर, और नेक मैंने यहाँ पर 6 पॉइंट पे कट किया है। तो 2.5 इंच पर हम यहाँ मार्क करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पर मार्क कर लिया है। अब हम नीचे की साइड से 5.5 इंच पर कपड़ा छोड़ के हम इस निशान को भी आकार में मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस निशान को भी आकार पे मिला लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम मेन वाले फैब्रिक को लेंगे। मेन वाले फैब्रिक ये देखिए, यहाँ पर मैंने मेन वाले फैब्रिक को ले लिया है। अब हम इसमें सीधा और उल्टा देख लेंगे कौन सा सीधा है और कौन सा उल्टा है। तो हम जब मेन वाले कपड़े को रखेंगे तो ये हमारा सीधा साइड होना चाहिए, जिसे हम पलटेंगे तो ये हमारा सीधा साइड ही रहेगा। तो इसके ऊपर में मैंने अस्तर कपड़े को रखा है। अस्तर कपड़े को रखने के बाद अब हम इसके साइड में पिन लगा लेंगे। क्या है, ये हमारा लूज वाला कपड़ा है, इससे सरकता बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर मैं पहले इसमें पिन लगा लूँगी, उसके बाद स्टिचिंग करूँगी। तो पहले हम नीचे की साइड पर स्टिचिंग कर लेंगे। नीचे की साइड पर सीधा सिलाई करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकेगा ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने नीचे की साइड पे सिलाई कर लिया है। अब ये हमारा कपड़ा सरकेगा नहीं, तो अब हम सेम ऊपर की साइड पे सिलाई कर लेंगे। तो ऊपर की साइड में सिलाई करने के लिए पहले हम यहाँ पर पिन अटैच कर लेते हैं ताकि ये कपड़ा सरके नहीं। तो दोनों साइड पे हम यहाँ पर पिन अटैच कर लेंगे। अब हम इसमें सीधा सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नेक की साइड पे सिलाई कर ली है और एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब हम इसमें छोटा छोटा कट लगाएंगे, जिससे हमें पलटने में आसानी होगी और एकदम फिनिशिंग के साथ पलटेगा ये कपड़ा। तो यहाँ पर हम इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद जैसे मैंने पहले सिलाई लगाई है, अब हम इसके ऊपर में एक और सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम ये बचा हुआ कपड़े को लेंगे। बचे हुए कपड़े की हम पट्टी कट करेंगे। तो पट्टी कट करने का सही तरीका है कि हम इसे तिरछी पट्टी कट करें। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी तिरछी पट्टियाँ कट की है। अब हम इसको जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटी छोटी पट्टियों को जॉइंट करके एक लंबी पट्टी बना ली है। अब हम इसको बीच से फोल्ड कर लेंगे ऐसे और साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है इसमें। अब हम इसको पलट लेंगे। पलटने के लिए यहाँ पर मैंने सुई धागे का यूज किया है। आप चाहे तो आल पिन या किसी और चीज़ का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सुई धागे का यूज किया है। सुई को हम उल्टे साइड से यहाँ पर अंदर की साइड में डालेंगे और धीरे धीरे कपड़े को खींचते जाएंगे पीछे साइड पर। तो यहाँ पर मैंने ये डोरी को पलट लिया है।
ऐसे ही हम दो डोरी बनाएंगे, एक हमारा पतला रहेगा और एक हमारा मोटा रहेगा। तो यहाँ पर दोनों मैंने बना कर रख लिया है। अब हम इसको ब्लाउज में कैसे अटैच करेंगे, तो पहले हम ये मोटा वाला जो डोरी है उसको हम बीच से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच पर मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद हम यहाँ पर 3-3 इंच की बहुत सारी पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये जो पट्टियाँ कट कर ली हैं इसको हम ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए पहले हम इसको बीच से फोल्ड कर लेंगे उल्टे साइड पे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम जो ये डोरी है उसको अटैच करने के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2-2 इंच पर निशान लगाया है। तो दोनों साइड पे हम बराबर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद जहाँ पर मैंने निशान लगाया है वहीं पर हम इसको फोल्ड करके अटैच करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर पहले हम इसको सीधा फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम अटैच करेंगे। ऐसे ऐसे हम सारे निशान पर ये पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे पट्टियों को अटैच कर लिया है। अब हमारा जो पतला वाला डोरी है हम उसको में डालेंगे। इसको जैसे हम सूज में लेस डालते हैं सेम वैसे ही इसको हम डालेंगे। तो पहले हम दोनों साइड पे ऐसे डाल लेंगे डोरी को और फिर हम दोनों को अपोजिट साइड में डालेंगे। ऐसे ही हम नीचे तक डाल लेंगे डोरी को। तो यहाँ पर मैंने डोरी को डाल लिया है। अब हमारा जो नीचे वाला साइड है वहाँ पर हम ऐसे गठान लगा लेंगे। गठान लगाने के बाद ये हमारा जो डोरी है वो निकल ना जाए, इसके लिए यहाँ पर हम छोटा सा लटकन बना लेंगे। तो लटकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बचे हुए कपड़े का यूज किया है। इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है और इसके बाद यहाँ पर जो हमारा कोना है वहाँ पर हम इस डोरी को रखेंगे और इसको बीच से फोल्ड करके यहाँ साइड से सिलाई लगा लेंगे। और बचे हुए कपड़े को हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे। तो ये छोटा सा लटकन बनकर तैयार हो गया है। इससे हमारा डोरी जो है वो निकलेगा नहीं। तो मैंने इसको दोनों साइड पे अटैच कर लिया है। अब ये हमारा ब्लाउज डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अगर मेरा वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।